और शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 9 महीने से जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी पद छोड़ने का ऐलान कर दिया और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों के विभाग 2 मंत्रियों में बांट दिए। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 3 झटके लगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफे की चिट्ठी केजरीवाल तक भेज दी। सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से जेल में बंद हैं। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्रियों के विभागों में बदलाव करना पड़ा। दरअसल मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। अब ये विभाग 2 मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं। वित्त, पीडब्ल्यूडी, गृह और जल की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई है। गहलोत के पास योजना, बिजली, शहरी विकास, सिंचाई का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। गहलोत के पास पहले से परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवा और पर्यटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग का प्रभार भी राजकुमार आनंद संभालेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को इस्तीफे की लंबी चिट्ठी लिखी। 3 पन्नों की बिना तारीख वाली चिट्ठी पर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय की मोहर लगी है। अपने इस्तीफे में सिसोदिया ने आरोप लगाया कि झूठे और निराधार आरोपों पर उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा। सिसोदिया ने लिखा कि इनका निशाना मैं नहीं हूं, इनका निशाना आप हैं, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन पर केजरीवाल का साथ छोड़ने का दबाव बनाया गया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेलों से नहीं डरता हूं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों और उनके माता पिता की दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि साजिशों से उनकी सच्चाई की लड़ाई और मजबूत होगी। सिसोदिया ने लिखा कि मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिसोदिया के विभाग भले ही 2 मंत्रियों को सौंप दिए गए हों, लेकिन केजरीवाल मंत्रिमंडल में जल्द ही 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब बहुत व्यवहारिक है कि अगर मनीष जी अब जेल में हैं, भारतीय जनता पार्टी की साजिशों की वजह से, उनके झूठे आरोपों की वजह से, उनके अहंकार की वजह से, तो यह आवश्यक हो जाता है। और इस आवश्यकता की वजह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली के कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया जाए। उधर बीजेपी ने दावा किया कि इस मामले में आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, कि ये करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। I repeat, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। रविशंकर प्रसाद ने ये कहकर अरविंद केजरीवाल को भी घेरा कि उनसे पूछे बिना आम आदमी पार्टी में कोई काम नहीं होता। अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम होता है तो मैं आपको कहूंगा, अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना कोई काम करने की हिम्मत कर सकता है क्या? तो रोज आप देखते हैं। बिल्कुल, हाँ। और तो हमने सुना है पंजाब की सरकार भी उनसे पूछ के ही चलती है। हाँ। यानी सिसोदिया के इस्तीफे के बाद भी सियासी बयानबाजी कमजोर नहीं पड़ी है। बीजेपी अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है कि उसके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के रुख को देखकर नहीं लगता कि ये सियासी लड़ाई जल्द शांत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।